प्रणाम, मैं डॉक्टर राजीव दे, हीमाटोलॉजिस्ट, हीमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आई एम कंसल्टेंट इन नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हावड़ा, व्हिच इज़ ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डील्स मेनली विथ हीमाटोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट्स एज वेल एज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। Hematology is a subject which deals with any disorder related to blood. खून से related कुछ भी बीमारी इस subject का अंतर्भुक्त है। हमारा खून बनता है हड्डी के अंदर जो मैरो है, बोन मैरो, वहाँ से। So any disorder which arises from bone marrow is under the purview of Hematology. हमारे शरीर में लिम्फ नोड बोल के ग्लैंड्स है बहुत सारे। ये लिम्फ नोड हमारा बीमारी कुछ इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगर ये लिम्फ नोड का कुछ बीमारी है वो भी ये हीमाटोलॉजी का पार्ट है। व्हेन अ डिसऑर्डर ऑकर्स इन द बोन मैरो, फर्स्ट वी नीड टू चेक ब्लड। ये खून का मतलब ओनली हीमोग्लोबिन TCDC नहीं है, कॉम्प्लीट ब्लड काउंट कराना है। अगर ये खून का कॉम्प्लीट ब्लड काउंट करने के बाद अगर लग रहा है कि ये खून का रिलेटेड कुछ बीमारी है तो फर्दर जांच कराना चाहिए। ये जांच के लिए बोन मैरो कराना जरूरी हो सकता है, कोई लिम्फ नोड का बायोप्सी कराना जरूरी हो सकता है और काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन कराना भी जरूरी हो सकता है। ये हीमाटोलॉजी एक बहुत स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए अगर कोई हीमाटोलॉजी रिलेटेड और खून रिलेटेड कुछ बीमारी है तो सही तरफ से जांच करने के लिए और इलाज करने के लिए कोई हीमाटोलॉजिस्ट और हीमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। अगर हीमाटोलॉजी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो हीमाटोलॉजिस्ट के पास जाके सही तरफ से इलाज करवा के, डायग्नोसिस करवा के इस बीमारी से मुक्त होना है।